इस विच यूट्यूब फैमिली की हाल है जी सारिआं दा। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं सारे ही अपने अपने घरां दे विच अपने अपने फैमिलीज़ दे नाल खुश होवोगे ते चिल मार रहे होवोगे। ते एक बारी तुहानूं सारिआं नूं मेरे वल्लों हैप्पी रमज़ान। आस करदी हां कि तुहाडे सारिआं दे रोज़े बहुत वधिया जा रहे होणगे। ते शाम हो गई है, बज गए शाम दे 7। डिनर दी तैयारी हो रही है और डिनर दे विच असीं बना रहे हां जी बैंगन, यानी कि हरे बैंगन घर दे। ओह रैसिपी मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी जी। हाँ जी, है साढ़े घर के बैंगन हरे वाले, ये बनावांगी अज मैं। साढ़े घर के तीन तरह के बैंगन लगे, एक ग्रीन कलर दे मतलब हरे, दूसरे वाइट सफेद, ते तीसरे है ब्लैक जामनी यानी कि पर्पल जिन्हों कहते हैं। तीन किस्म के बैंगन लगे हुए हैं ते होर कोई किस्म के नहीं है। तो चलो जी अज फिर बनाने असी बैंगन। दस दी मैं किस तरह बनानी हाँ। ईजी तरीके बना रही हूँ जी बैंगन। मैं कोई ताम झाम नहीं ज़्यादा करना। पैन के तेल पाया कढ़ाई के, मैं तीन प्याज कट्टे हुए ने पा देना। आई लव दिस सॉन्ग, मैंने बहुत पसंद है तड़के की आवाज। सामने प्याज और मैं धनिया और सॉरी जीरा हूँ पावगी। पहला इस करके नहीं पाया क्योंकि जीरा अगर पहला पावो ना तो वो थोड़ा जल जाता है, तो टेस्ट थोड़ा जहा खराब हो जाता। तो हूँ मैं जीरा पावगी नहीं, थोड़ा जिन्ना अपने हिसाब न पा लियो। तुम हरे बैंगन बहुत टेस्टी बनते वैसे। वैसे तो साड़ी सारी फैमिली के बैंगन बहुत फेवरेट आ, मेरी मम्मी के, मेरे और मेरे दोनों ब्रदर भी खाते हैं, बेटा भी बहुत खुश होकर खाता है। बाकी दिशा के करण जोड़े है यह बैंगणा के शौकीन तो है, लेकिन इन्होंने जो आलू कट के खाने तो बैंगन एक भी नहीं खाना इन्होंने। वो तो कह देंगे अच्छे आलू बैंगन बना लो, इन्हों की वजह ना सालू फिर आलू ज़्यादा पाने पैदा ने। तो हूँ मैं ऐड कराँगी जी अदरक, मोटा मोटा कटिया हुआ, बारीक इस करके नहीं कटिया कि मेरे मम्मी अदरक पसंद नहीं, और जो मेरे मम्मी अदरक खा लेंगे वैसे उन्होंने पेट जलन हो लग जाती क्योंकि उन्होंने अलसर है ना, इस करके फिर मेरे मम्मी अदरक नहीं खाते। छोटे कर लेंगे प्याज में तद तक असी भुना के जब तक यदा कि कलर जरा चेंज ना हो जाए। तो हम मैं ऐड कराँगी थोड़ा जहा नमक, पाकिस्तानी नमक मेरा फेवरेट, साड़ी सारी फैमिली का फेवरेट बिना किसी साइड इफेक्ट तो पाकिस्तानी नमक। तुम सारे जने यही यूज कराया करो नमक, तुम कहना हर वीडियो दसन लग जाती पाकिस्तानी नमक, असी खाते ही पाकिस्तानी नमक, तो फिर पाकिस्तानी नमक ही कहना, तुम सिंधा नमक भी कह सकते हो। वैसे भी साडा पाकिस्तान नाल ज़्यादा प्यार है, इस करके फिर असं नमक भी पाकिस्तानी ही यूज़ करते हैं। साड़ी जिहड़ी फीमेल डॉगी है वह भी पाकिस्तानी है, देख लो साडा कितना प्यार पाकिस्तानी नाल। तो जी हुण मैं ऐड कर रही हाँ टमाटर, क्योंकि प्याज जो अपने तीन मिनट हो गए भुजते हुए, ज़्यादा नहीं भुनना इनू। टमाटर भी साढ़े घर दे जी, उम्मीद है कि तुहानू मेरी ये बैंगन की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तुम्हें भी इस तरह बना के खा के तो मैं दसना हरे हरे बैंगन जो घर बनाए कि बने। तड़के की आवाज़ किनू ज़्यादा वधिया लगती है साउंड, जो भी कोई ऐसी चीज़ बनाने तड़का इन्ना मतलब वधिया लगता ना आवाज़ जी। लो जी हम पा रही हूँ हल्दी, वह भी साढ़े घर की। मैं किसी ने कमेंट करके कहा कि तुम गार्डन का टूर कराओ, जरूर करावगी तुम गार्डन का टूर। काफ़ी फ्रूट लगे हुए हैं, साढ़े अंब बहुत लगे ने, लीचियां बहुत लगे ने, आलू बुखारे बहुत लगे ने, जामना बहुत, और सब्जियां तो तुम पूछो ही ना, इन्ने क बैंगन लग गए ना साढ़े। हरा धनिया बहुत होया पाया और साग तो असं हम चलो तोड़ के बनाई दिया। लौकियां बहुत लगियां जिन्होंने घिया कहें, कद्दू और भिंडियां बहुत लगियां साढ़े। होर दिशा की लगी अपने कानियां लगे हुई, लेकिन मैं तुम्हें टूर कराँगी जरूर एक दिन गार्डन तो दसागी। हल्की जी मैं पावगी बच्चे देगी मिर्च, ज़्यादा नहीं पानी क्योंकि ग्रीन भी पा लेनी नाल सी, ग्रीन भी मोटी मोटी करके पा रही क्योंकि मम्मी ने फिर मेरे खाने नहीं होंगी इस तरह, मम्मी बच्चों कट देंगे चम्मच के नाल देख के। इतने मैं ना आलू कट के पाए देवगी क्योंकि जोड़े आलू है ना इन्होंने टाइम लगना पक्न, तो जो बैंगन बड़ी जल्दी पक जाते, घर के बैंगन बहुत जल्दी पकते हैं, सिर्फ इन्हों स्टीम की लड़ ही पैंती है जेडे घर के बैंगन होंगे। अगर अभी मार्केट तो बैंगन लिया ना
वो वैसे टेस्ट ही भी नहीं मानते, दवाई पाई हुई स्प्रे की होंगी है, इंजैक्शन वगैरह लगे होंगे आ, तो जोड़े घर के पैन है ना बहुत ही वधिया टेस्टी बनते हैं। इन्हें मैं थोड़ा देर 2 मिनट है ना ढक्कन लगा के पका लवानी, कवर कर देनी है जी, 2 मिनट बाद मिलते हैं, 2 मिनट तुम वेट करो जी। सर 2 मिनट हो गए कुक होंगे होंगे, तो चलो जी चेक करते हैं। बड़ी वधिया खुशबू आ रही है जी, करना अपनी खा लेना अपने ऑलमोस्ट जोड़े हैं। आलू देखो सॉफ्ट हो गए, देखो टुटन लग गए ना, तो हम मैं पीछे बैंगन ऐड कर लाँगी। बैंगन मैं ऐड कर दिए जी, बिच पानी बिल्कुल भी नहीं पाना, तुम इस तरह बनाने देखो कितना नाइस कलर आया और बनते भी बड़े टेस्टी है, ग्रीन वाले काफ़ी व्डे व्डे रहते जिस तरह ना साढ़े, मैं दिखावगी तू 2 गिट लंबे हो जाते हैं, 2 गिट तो भी ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते और मोटे भी काफ़ी होंगे। मैं तो अच्छ वैसे जल्दी तोड़ लिया इन्हों क्योंकि छोटे छोटे भी ज़्यादा सोहने लगते हैं बनाने। चंगी तरह मिक्स कर देना, लो जी मिक्स हो गए अच्छी तरह अपने आलू बैंगन, तो गैस का फ्लेम करके स्लो तो मैं हूँ इन्हों 5 मिनट कुक करा और 5 मिनट के ही हो जाएंगे। तो चलो जी मिलते हैं 5 मिनट बाद, होंगे हो गए बैंगन। चलो एक बार चेक करते हैं, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो है और प्रेस करके देख लेने जी असी। हेलो अपने आलू भी हो गए और बैंगन भी चेक कर लेने, लो जी बैंगन भी हो गए अपने कुक हो गए। तो हूँ मैं डिश आउट कर दी हाँ, तुम खाने हो जाओ सारे जने तैयार। हाँ जी फ्रेंड्स, लो जी अपनी आलू बैंगन की रेसिपी हो गई है बन के तैयार, खाओ खा के तो इंजॉय करो। मैं प्लीज़ दसना कमेंट करके कि तुसी जिवें इस तरह मेरे तरीके घर बनाए आलू बैंगन किस तरह के बने, तुहानू पसंद आए, तुहाडी फैमिली नू पसंद आए कि नहीं, और मेरी वीडियो नू वध तों वध शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो चैनल भी फॉलो कर लो जी। मिलते हैं अगली वीडियो एक नवी रैसिपी लैके, तद तक मेरे वालों तुहानू सारयां नू जी प्यार भरी सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।